हाय गाइस, दिस इज़ योर ट्रस्टेड रियल एस्टेट गाइड अभय, और आज मैं आपको दोबारा से मिलने आया हूँ गाइस अपनी उस सीरीज़ के साथ जिसमें कि हम आपको रियल एस्टेट की बेसिक इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं जो कि आपको एम्पावर करेगी करेक्ट डिसीजंस लेने के लिए। इस सीरीज़ का नाम है रियल एस्टेट पाठशाला। अभी तक मैंने गाइस इस सीरीज़ में जो पिछला वीडियो बनाया था उसमें मैंने आपको प्लॉट्स के बारे में कुछ बेसिक बातें बताई थी, उसी कॉन्वर्सेशन को आगे कंटिन्यू करते हुए आज के वीडियो में गाइस मैं आपको उन बेसिक चीज़ों के बारे में बताऊंगा जो कि डिफरेंशिएट करती हैं एक गेटेड सोसाइटी में प्लॉट को और एक ओपन एरिया में प्लॉट को। तो गाइस ओपन एरिया के प्लॉट और गेटेड सोसाइटी के प्लॉट में सबसे पहले हम दोनों चीज़ों को डिफाइन कर लेते हैं। ओपन प्लॉट्स आपके वो होते हैं जो कि आपके बेसिकली ओपन एरिया में होते हैं, सेक्टर्स में होते हैं, दिल्ली की कॉलोनीज में होते हैं, नोएडा के सेक्टर्स में होते हैं, फरीदाबाद के सेक्टर्स में होते हैं, जैसे हुडा के प्लॉट हो गए, आपके दिल्ली में DDA के प्लॉट हो गए किसी भी लोकेशन पे। तो ऑब्वियसली गाइस दिल्ली में तो आज की डेट में प्लॉट बहुत कम ही मिलते हैं, लोग यूजुअली फ्लोर्स ही खरीदना अफोर्ड कर पाते हैं। तो अगर हम अपनी कॉन्वर्सेशन को सबर्ब्स तक ही अगर हम उसको लिमिटेड रखते हैं तो आपके जो भी हुडा के प्लॉट्स हैं गुड़गांव में, फरीदाबाद में, आपके जो नोएडा में, आपके सेक्टर 18 में, 19 में, 27 में, 44 में जो प्लॉट्स हैं वो आपके सारे ओपन प्लॉट्स होते हैं। और जो गेटेड सोसाइटीज़ होती है गाइस, गेटेड सोसाइटी वो होती है जहाँ पर कि आपकी टाउनशिप की एक प्रीडोमिनेंटली वेल डिफाइंड एंट्रेंस होती है जहाँ पे कुछ सिक्योरिटी वगैरह होती है। उसके बाद फिर टाउनशिप के अंदर ही आपको बहुत सारी एमिनिटीज मिलती है, टाउनशिप के अंदर ही आपके पार्क्स होते हैं आपकी, और दुकानें वगैरह बनी होती है, कई जगह क्लब हाउस भी होता है, और कई बार ऐसे भी होता है कि टाउनशिप के अंदर आप अपने पर्टिकुलर एरिया में जाते हैं वहाँ पर दोबारा एक सेकेंड टेयर ऑफ सिक्योरिटी भी होती है। अगर मैं दो तीन एग्जांपल लूँ गुड़गांव में तो सेंट्रल पार्क फ्लावर वैली इज़ द बिगेस्ट एग्जांपल जहाँ पर कि आपको गेटेड सोसाइटी के अंदर प्लॉट्स मिलते हैं। उसके अलावा एक्सपीरियन की टाउनशिप्स है, द्वारका एक्सप्रेसवे पे BPDP की भी टाउनशिप है 70A में और 102 में। तो ये जो गेटेड सोसाइटीज़ हैं और जो ओपन प्लॉट्स हैं इनके बीच में आज मैं आपको कुछ मेन डिफरेंस बताने की कोशिश करूँगा। सो गाइस सबसे पहले जो आपको पॉइंट समझना पड़ेगा कि गेटेड सोसाइटीज़ के अंदर आपको सिक्योरिटी काफ़ी बेटर होती है ऑब्वियसली, बिकॉज यहाँ पर आपका लाइक आई टोल्ड यू इन द लास्ट शॉट कि यहाँ पे आपका टू टीयर सिक्योरिटी भी होती है सोसाइटी में, मेन गेट भी होता है, गार्ड्स वगैरह भी होते हैं। और कंपेयर दैट टू अगर आप ओपन सेक्टर्स की बात करोगे, आपने अखबार में पढ़ा होगा गुड़गांव में किसी सेक्टर में कहीं चेन स्नैचिंग हो गई, कहीं पे कुछ हो गया बिकॉज वहाँ पे ओपन आपका आवाजाही होती है। जैसे मैं सेक्टर 56 में गुड़गांव में रहता हूँ तो यहाँ पे मेरे सामने जो एरिया है जहाँ पर प्लॉट्स वगैरह है वहाँ पे कितने ऐसे प्लॉट्स हैं जहाँ पर कुछ एरिया में लोग प्लॉट्स में लोग रह रहे हैं लेकिन कुछ नए प्लॉट्स भी बन रहे हैं। तो वहाँ पे जहाँ नए प्लॉट्स बन रहे हैं तो लेबर वगैरह भी वहीं पे रहते हैं, फिर कई बार एंटी सोशल एलिमेंट्स वगैरह भी उस एरिया में लॉटर करने लगते हैं। तो वहाँ पे आपको एक सेफ्टी सिक्योरिटी का आपको एक बहुत बड़ा फैक्टर होता है जिस वजह से कि लोग आपका गेटेड सोसाइटीज़ में प्लॉट्स खरीदना चाहते हैं। उसके अलावा गाइस सेकंड पॉइंट भी बहुत ऑब्वियस है, इससे रिलेटेड ही है कि एक आपका अगर हम बात करते हैं एनक्रोचमेंट होने का चांस आपका गेटेड सोसाइटी में नेक्स्ट टू नथिंग होता है, बिकॉज ऑब्वियसली किसी बिल्डर के साथ उसमें कॉन्ट्रैक्ट होता है, आप उस पर मंथली मेंटेनेंस देते हैं, तो आपके प्लॉट पे कोई ऐसे ही आके कब्जा नहीं कर सकता। तो ये एक आपको बहुत बड़ा डिफरेंस आपको मिलेगा जो कि आपकी गेटेड सोसाइटी में होगा। बाकी ऑब्वियसली ओपन प्लॉट्स में तो ऑल ओवर इंडिया आपने केसेस सुने होंगे, किसी ने प्लॉट पे कब्जा कर लिया, किसी ने वहाँ पे स्क्वाट्स बैठ गए, किसी ने वहाँ पे कबाड़े की दुकान खोल ली, पंचर की दुकान खोल ली, किसी ने कुछ कर लिया। तो इस तरीके से दिस इज़ द सेकेंड पॉइंट विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट दैट एज फार एज सेफ्टी फ्रॉम इंक्रोचमेंट इज़ कंसर्न देर इज़ अ मेजर डिफरेंस बिटवीन द टू टाइप्स ऑफ प्लॉट्स। इसके बाद गाइज अगर मैं तीसरी बात करता हूँ तो ऑब्वियसली गाइज अगर एमिनिटीज़ की मैं बात करता हूँ तो एमिनिटीज़ में गाइज आपको जो गेटेड सोसाइटीज़ होती हैं, अगर मैं फॉर एग्जांपल बात करता हूँ सेंट्रल पार्क फ्लावर वैली की, तो सेंट्रल पार्क के अंदर ही एक बहुत अच्छा क्लब बना हुआ है, बहुत बड़े बड़े पार्क्स बने हुए हैं, बच्चों के लिए अलग झूले लगे हुए हैं, और वहाँ पे अंदर एक गुरुद्वारा भी बना हुआ है, मंदिर भी बना हुआ है, और वहाँ पे आपको स्पोर्ट्स फैसिलिटीज़ भी बहुत सारी डेवलप करके बिल्डर दे रहा है। आई मीन दैट इज़ सिमिलरली द केस इन BPDP 70A स्टेयर गार्डन, वहाँ पर भी बिल्डर एक बहुत बड़ा क्लब हाउस आपको बना के दे रहा है। तो ये जो एमिनिटीज़ हैं जो कि गाइस गेटेड प्लॉट्स
कहीं ना एक आपको कॉन्डो वाली फील देती है. इट इज़ बेसिकली अ कॉम्बिनेशन ऑफ कॉन्डो लिविंग एज वेल एज प्लॉटेड लिविंग, यू नो. तो ये इसीलिए जो गेटेड प्लॉट्स हैं उसमें गाइज आपको जो एमिनिटीज़ हैं वो बहुत अच्छी मिलेंगी. अगर मैं मान लीजिए हुडा में सेक्टर 56 में रहता हूँ तो मेरे घर के पास में पता नहीं कोई पार्क होगा नहीं होगा जहाँ पे बच्चे खेलने जा सकते हैं, या फिर यू नो मेरे को अगर कहीं पे रेस्टोरेंट वगैरह जाना है या मेरे को कुछ और स्पोर्ट्स फैसिलिटीज़, मेरे को जिम जाना है, तो सब की मुझे अलग से मेंबरशिप लेनी पड़ेगी. वो मेरे को अपनी यू नो टाउनशिप में अपने एरिया में नहीं मिलेगा. तो ये जो एमिनिटीज़ है ये भी एक आपका यू नो बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है. उसके बाद ऑब्वियसली गाइज मैंने जैसे कि पिछले वाले वीडियो में भी बताया था कि एक आपको ना डिफरेंस मिलेगा लोकेशन में. यूजुअली आप देखेंगे जितने भी ओपन प्लॉट्स हैं, जितने भी आपकी सोसाइटीज़ हैं, सेक्टर्स हैं, ये सारे यूजुअली आपके अच्छी लोकेशन पे होते हैं. मेन शहर के पास होते हैं, मेट्रो के पास होते हैं, हाईवे के पास होते हैं, दिल्ली के पास होते हैं, ठीक है. ऑब्वियसली दूर वाले सेक्टर्स में भी होते हैं लेकिन पास वाले सेक्टर्स में भी होते हैं. उसका रीज़न क्या है कि गेटेड सोसाइटीज़ का कॉन्सेप्ट अभी दिल्ली NCR में पिछले 10-15-20 साल में ही आया है. उससे पहले तो ऐसा कोई कॉन्सेप्ट था ही नहीं. तो इसीलिए बिल्डर्स को जहाँ पर भी गेटेड सोसाइटी के लिए लैंड मिली है वो सारी उनको यू नो नए सेक्टर्स में मिली है, या एटलीस्ट थोड़े से जो कि मेन सेंट्रल एरिया के में भी सेक्टर से आपको दूर जाके मिलेगी. तो इसलिए गाइस बहुत सारे लोग, दिस इज़ अ प्राइमरी रीज़न कि बहुत चैलेंजेस होने के बाद भी अ लॉट ऑफ पीपल हु मूव टू द सबर्ब्स फ्रॉम दिल्ली, दे वॉन्ट टू बाय अ प्लॉट इन सुशांत लोक, दे वॉन्ट टू बाय अ प्लॉट इन DLF 1 फॉर द सिंपल रीज़न कि इन जो ओपन प्लॉट्स की लोकेशन होती है गाइज वो लोकेशन यूजुअली गेटेड सोसाइटी के प्लॉट से बेटर होती है. और ऑब्वियसली लोकेशन के साथ साथ फिर एक और चीज़ भी आ जाती है कि आप ये देखेंगे कि जो गेटेड सोसाइटी के प्लॉट्स हैं एक्सेप्ट DDJY वो सारे आपको ना अंदर टाउनशिप के अंदर आपको रोड्स की विड्थ वगैरह अच्छी मिलेगी. मतलब आपको 12 मीटर की रोड, 18 मीटर की रोड, ऐसे आपको रोड्स मिलेंगी. दीनदयाल में आपकी 9 मीटर की रोड होती है, आप सब लोग अच्छे से जानते हो. लेकिन अगर मैं ओपन प्लॉट्स की बात करता हूँ, जैसे अगर मैं हुडा के सेक्टर्स की बात करूँगा गुड़गांव में, तो हुडा के सेक्टर्स में आप देखेंगे कि जो आपके छोटे प्लॉट हैं, 60 गज के प्लॉट हैं, 100 गज के प्लॉट हैं, 140 गज के प्लॉट हैं, ये वाले प्लॉट्स आपको यूजुअली छोटी रोड पे मिलेंगे, यू नो 9 मीटर रोड के ऊपर मिलेंगे, कुछ 6 मीटर रोड के ऊपर भी आपको मिलेंगे. और जो आपके बड़े वाले प्लॉट्स हैं वो यू नो आपके बड़ी रोड पे होते हैं, कहीं तो मेन रोड पर भी होते हैं, कहीं 24 मीटर रोड पे होते हैं, 18 मीटर रोड पे होते हैं. तो ये गाइज आपको एक डिफरेंस मिलेगा कि जो आपको यू नो जो आपकी गेटेड सोसाइटीज़ हैं वहाँ पे एक जो रोड का सिस्टम है वो थोड़ा सा ज़्यादा सिस्टमैटिक होगा, और जो आपका ओपन आपके प्लॉट्स हैं वहाँ पे जो आपको चीज़ें हैं वो थोड़ी सी हैपहैजर्ड मिलेगी. सो गाइस एक और बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ जो आपको समझनी पड़ेगी कि जो आपकी गेटेड सोसाइटी के प्लॉट्स हैं उसमें आपको गाइस यूजुअली जो चेन ऑफ ओनरशिप है वो आपको पता करना रिलेटिवली आसान होता है. यू नो वहाँ पे आपको क्या कहते हैं बिल्डर के रिकॉर्ड्स में ही सारे यू नो ओनर्स के नाम होते हैं. अगर आप रजिस्ट्री के बाद भी कोई प्लॉट लेते हो तो भी आपको यूजुअली यू नो इट इज़ वेरी रेयर दैट कोई आपको पुराने यू नो कोई बंदा आके खड़ा हो जाए जो आपके प्लॉट के ऊपर कुछ आपका यू नो क्लेम करने लगे, जो कि आपका ओपन सोसाइटीज़ में हो सकता है. मैं आपको उसका एक अपना पर्सनल एग्जांपल देता हूँ. मेरे ग्रैंडफादर ने आई थिंक 2002 में सेक्टर 41 नोएडा में एक प्लॉट ख़रीदा था, और जब वो प्लॉट ख़रीदने के बाद वो अपने प्लॉट की रजिस्ट्री करवाने गए थे, तो रजिस्ट्री करवाने के टाइम पे उनको तहसील में पता चला था कि उनके प्लॉट के अंदर कुछ यू नो पुराना कुछ एक लीगल कुछ चैलेंज था जो कि उसको उनको क्लियर कराना पड़ा था जिससे पहले कि वो अपने प्लॉट की रजिस्ट्री करा पाए. तो गाइज बिकॉज एक आम आदमी को ना इतनी ज़्यादा डीप चीज़ों की नॉलेज नहीं होती है, और बहुत सारे जो कंसल्टेंट्स ब्रोकर्स होते हैं जो आपको ये सारी ट्रांजैक्शंस करवाते हैं वो सारे भी यू नो कई बार उतने वेल अवेयर नहीं होते चीज़ों को लेके, और कई बार तो वो लोग जानबूझ के उनको पता होता है कि इस चीज़ में प्रॉब्लम है तो भी वो आपकी डील करा देते हैं यू नो अपने पैसे बनाने के लिए, जो कि ऑब्वियसली एक बहुत गलत प्रैक्टिस है. आज की डेट में अगर आप देखेंगे गुड़गांव में यू नो कई जगह अगर आप प्लॉट लेते हैं हुडा का, तो वहाँ पे एक टोकन सिस्टम अब उन्होंने शुरू कर दिया है कि वो टोकन आपको वहाँ से यू नो तभी रजिस्ट्री के लिए इश्यू होता है जब वो पहले वाली सारी चीज़ें चेक कर लेते हैं. बट स्टिल यू नो फ्रॉम माय ओन पर्सनल एक्सपीरियंस आई कैन टेल यू कि ये एक आपको यू नो डिफरेंस मिलेगा
कि आपको जो लीगल स्टेटस है अपनी प्रॉपर्टी का या आपकी जो चेन ऑफ ओनरशिप है वो आपको चेक करना गेटेड सोसाइटी में ओपन प्लॉट्स के मुकाबले कंपैरेटिवली काफ़ी आसान हो जाता है। उसके अलावा गाइज एक और चीज़ ऑब्वियसली यू नो जो मुझे पर्सनली लगती है कि यू नो अगर आप देखेंगे कि जो कई गेटेड सोसाइटीज़ में क्या होता है कि ना सबकी कोठियाँ अलग अलग होती हैं लेकिन जो उसका एक्सटीरियर होता है ना उसका बिल्डर ने आपको इंस्ट्रक्शन दी होती है कि सारे के सारे ना वाइट कलर का ही एक्सटीरियर रखेंगे, तो उससे क्या होता है कि ना आपकी पूरी टाउनशिप में एक सेमनेस टाइप की फील आती है, आपको लगता है कि आप एक कॉन्डो में रह रहे हो जिसमें कि सारे के सारे घर बाहर से एक जैसे लगते हैं, तो ना वो एक लुक एंड फील जो है, अगर फॉर एग्जांपल मैं आपको बताऊं अगर आप यू नो एमआर का गोल्फ कोर्स एक्सटेंशन रोड पे वहाँ पे उनकी प्लॉटेड डेवलपमेंट है जहाँ पे आपका वो यू नो डी कपल्ड एक आर माधवन की सीरीज़ भी वहाँ पे शूट हुई थी, अगर आप उस टाउनशिप में जाके देखेंगे तो गाइज वहाँ पे जो जिस तरीके से वो यू नो एमआर ने वो टाउनशिप डेवलप की है मारबेला और उसका भी एक और फेज़ भी आया है बाय द वे, तो मतलब ना वहाँ पे जाके आपको एक लाइक आई सेड अर्लियर आल्सो यू गेट द फील ऑफ अ कॉन्डो एज वेल एज यू गेट द फील ऑफ यू नो प्लॉटेड डेवलपमेंट ऑफ हैविंग योर ओन यू नो लिटिल कोठी, सो दैट इज़ अनदर डिफरेंस कि आपको ऑब्वियसली अगर मैं बात करूँगा जो आपके ओपन प्लॉट्स होते हैं वहाँ पर आपको यू नो मैंने अपने घर में स्टिल प्लस 3 बनाया हुआ है, किसी ने अपने घर में पुराने कंस्ट्रक्शन में ग्राउंड फ्लोर के ऊपर एक फ्लोर बनाया हुआ है, किसी ने लाल रंग का बनाया हुआ है, किसी ने वाइट रंग का बनाया हुआ है, तो ऑब्वियसली जो एक दिल्ली में आप किसी भी एरिया में देखते हैं उसी टाइप के आपको यू नो घर मिलते हैं। उसके अलावा गाइज एक और चीज़ अगर मैं आपसे बात करूँ तो आपको ना बहुत सारी ऐसी गेटेड सोसाइटीज़ मिलेंगी जहाँ पर आपको यू नो जो चेक वैल्यू है वो आपकी चेक वैल्यू ना काफ़ी ज़्यादा होगी कंपेयर टू ओपन प्लॉट्स यू नो एज फेयर एज द यू नो व्हाट यू कॉल द सर्कल रेट इज़ कंसर्न, तो कई जगह आपको यू नो आप ओपन प्लॉट्स में लेने जाएंगे तो आपको 50-60-70% तक भी आपको डेल्टा देना पड़ेगा, लेकिन गेटेड सोसाइटीज़ में आपको यू नो चेक वैल्यू थोड़ी सी ज़्यादा भी मिल जाती है और यू नो वहाँ पे आपको क्या कहते हैं लाइक आई सेड थोड़ा सा आप लोन भी ले सकते हैं और उसमें आपका थोड़ा ना सेल्फ फंडिंग की इन्वॉल्वमेंट कम होती है, तो उस हिसाब से भी यू नो गेटेड सोसाइटीज़ बेटर हैं। लेकिन इसका अगर मैं काउंटर पॉइंट रखता हूँ तो ओपन सोसाइटीज़ में गाइज अगर मान लो स्टिल प्लस 4 की पॉलिसी अभी जो गवर्नमेंट ने होल्ड पे डाल रखी है वो अगर गवर्नमेंट पॉलिसी अप्रूव कर देती है तो स्टिल प्लस 4 के हिसाब से जो आपके प्लॉट में कोलैबोरेशन करने का जो वायबिलिटी होती है वो आपकी यू नो इन वाले ओपन प्लॉट्स में बहुत ज़्यादा निकल के आती है, इसीलिए मतलब दिल्ली में लोग 250 गज का अपना प्लॉट बेच के यहाँ पे 350-400-500 गज का प्लॉट ले लेते हैं गुड़गांव में, उसके बाद फिर उसके ऊपर यू नो दो फ्लोर खुद रख लेते हैं, दो फ्लोर में कोलैबोरेशन कर लेते हैं, तो ये एक आपको यू नो और डिफरेंस मिलेगा। गाइज इसके बाद मैं आपको अपने अगले वाले वीडियो में मैं आपको बताऊँगा कि एक दीनदयाल के प्रोजेक्ट में जहाँ पर कि काफ़ी सारे प्रोजेक्ट्स के बारे में मैं आपको बता चुका हूँ कि एक DDJY के प्रोजेक्ट में और एक नॉर्मल प्लॉटेड डेवलपमेंट में चाहे वो गेटेड हो उसमें आपको क्या मेजर डिफरेंसेस होंगे, और उसके साथ गाइस मैं आपको दोबारा से अगले हफ्ते मिलूँगा एंड आई विल कंटिन्यू माय सीरीज़ वेयर माय मिशन इज़ टू एम्पावर ऑल प्रोस्पेक्टिव होम बायर्स अबाउट द बेसिक्स ऑफ रियल एस्टेट ताकि आप एक इन्फॉर्म्ड डिसीजन ले पाएँ, ताकि आप एम्पावर हो कि आप एक करेक्ट डिसीजन ले पाए। इसी तरीके से गाइस मैं आपको अगले हफ्ते दोबारा मिलूंगा, सी यू गाइस नेक्स्ट टाइम।